ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं उमर अंजुम का गाना, जो कि बेसिकली एक और देसी हिप हॉप की कोलैबोरेशन है, और डीप कलसी है साथ, और गाने का नाम है खबरदार। तो भाई लोग होशियार, ये साथ क्या लिखा, होशियार ही लिखा हुआ है हिंदी में। खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, और चेक करते हैं कि उमर अंजुम गंजुम क्या लेकर आया, और साथ डीप कलसी ऑब्वियसली होपे होगा, और क्या होगा। तो बाबा जी गेस कमांडो। ओल्ड स्कूल मिलते नहीं है, ओल्ड स्कूल यार, इसको जेडीआईडी बहुत ही पसंद है यार, मतलब इसको कह दो कि यार वन नाइट स्टैंड कर ले। लेकिन यू आर सेक्सी बॉय, मतलब ये कैसे राइम कर लेता है इतना ज्यादा, इतने छोटे लोग ये द द ब Cause the way I teachers off, obviously vicious rote, obviously snatches still as off with these stitches, huh? Mar gayi ree chinki, now they can't bear me. Thode inke gaane on my feet, ab wo bear nahi. Shuru se realist hum na badle karte baat, fair breaker daily girls heart, only time we change here. Urdu rap take over 23 a makeover range, maybe nahi hai mere aaj beshak change hokar fun. So, इस ना मैं इसको नजरिए से देखूंगा, इसमें दो चीजें आती है मेरे, दोनों मुर्शिद आती हैं। एक तो KR डॉलर साइन अचानकली आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना, अचानकली टेक ओवर मेक ओवर मुझे एमए में नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे KR डॉलर साइन मालूम है ना, तेरी मैगी चूत। सेकेंडली मैं रिजेंबलेंस तो नहीं कह सकता, मतलब मिलता नहीं, मिलता जुलता तो नहीं है, बट मेरे को तला अंजुम का वो गाना नहीं था, कौन सा था 2022 अब रैप पर गौर करें, वो कौन सी थी यार गाने का नाम, यार उस गाने का नाम मुझे भूल गया, किसका जज्बात वो वाला गाना था। तो मुझे पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे मिलता जुलता है, बट अचानक मुझे वो गाना याद आ गया। रियलिस्ट हम ना बदले करते बात, फेयर ब्रेकर डेली गर्ल्स हार्ट, ओनली टाइम वी चेंज हियर। उर्दू रैप टेक ओवर 23 ए मेक ओवर रेंज में भी नहीं है मेरे आज, बेशक चेंज होकर फनी है ये रैपर्स, व्हेन दे डिस मी रखूं फेस पोकर, नो हरी पेस स्लोअर, दिखते नहीं बॉर्डर्स मुझे, ऑल आई सी इज हिप हॉप, कर नहीं सकता कैच अप टू सीन से, ब्रिंग अ डिप सॉस, यू एंड माय ब्लड करूं हुड में मैं क्रिप वॉक, दिल्ली से कराची किड्स रैपिंग लाइक क्रिस क्रॉस। ए यार इनके बारे में ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम यहाँ पे बकचोदी करने हैं, मैं इसमें इल्म का इजाफा करने हैं, वो दूसरे चैनल्स हैं, बिग स्क्रैच ये वो लोग हैं, बट हाँ ये वो है ना, इनको यार मैं ना इस तरह देखा था बचपन में ना, इसका एक वाक्य है इस तरह कि मैं बचपन में कहीं इनको जब मुझे जब खैर समझ तो अभी भी नहीं आती, लेकिन जब बिल्कुल ही नहीं समझ आती थी, तो जब मैंने इनको देखा था टीवी पे, ठीक है, और आते थे देख लेते थे, ठीक है, टीवी पे थे कहाँ थे, मैंने कहा सुना था कुछ कुछ, टीवी पे थे यार वो टॉप 10 क्या चलता था। खैर तो बाद में ना मैं भाई जान हंसने वाली बात है कि मैं खोल के बैठ गया हिप हॉप की किताब लन पे चढ़ गई किस्मत, तो उसके अंदर ये दो बच्चे थे जो छोटी उम्र में एक स्मिथ और एक दूसरे का नाम क्या है कैली, कैली स्मिथ कुछ करके नाम है, तो छोटी उम्र में इन लोगों ने कुछ प्लैटिनम और ये वगैरह एल्बम कर दी हुई थी, जो कि बड़ा मैं मुझे इतना इल्म नहीं है, बट मेरे को उससे ये याद आया कि हाँ ये छोटे बच्चे थे तो उसके रैपिंग लाइक इट्स यार। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली से है डीप कलसी, मुझे पक्का नहीं है, जरा मुझे पक्का कर देना। खैर फेस रखो पोकर नो हरी फेस, दिखते नहीं बॉर्डर्स मुझे, ऑल आई सी इज हिप हॉप, कर नहीं सकता कैच अप टू सीन से, ब्रिंग अ डिप सॉस, यू एंड माय ब्लड करूं हुड में मैं क्रिप, हां मैं ये बोल रहा था हुड में करूं मैं क्रिप, बहुत तेरी मां।
walk Delhi se Karachi kids rapping like criss cross I'm one of them chasing dreams on a boom bap pull up on you like agency bin bataye who's that road to goat I got a legacy to make na main legacy to fake nahi main realist in the game chode kyun chhapri inki chhapri nahi hai khabar char chale कराची का महला नहाने के टाइम भी महला ही रहा नहीं मैं बात ही नहीं करता मैं बात ही नहीं करता सो हाँ मैं ऐसे चाहता हूँ कि इस गाने के इसी बीट के बगैर ही बीट बोल ना सेक्स मारती है ठीक है ना तो जैसे कहते हैं ना ओल्ड स्कूल या बूम बैप जब नाम लिया गया तो उम्र मुझे याद आता है खबरदार मैं 2023 समझ रहा था 23 साल का ये लन पे चढ़ गई किस्मत यार 2001 सेकंड मेरे को फिर सुनने का ब्रो रे तू खबरदार 23 चेसिंग ड्रीम सीधा टेक ओवर आके इनकी बंद छोटे रहना तू खबरदार रे तू खबरदार रे तू खबरदार 23 chasing dreams सीधा टेक ओवर आके इनकी बंद छोटे रहना तू गल सिद्धी पर ले पंजाब तो दिल्ली जे मसला ता असला है डोंट एक्ट सिली चल पे देख के मकाम मेरा उत्ते नु साड़ियां दे गए करियर बज दा मज सिद्धी दिल्ली दीस बैच रैपर्स भौंके ऑनलाइन मांग दे अटेंशन लबन मौके ऑनलाइन फेल हुंदे प्लान जदो दिसे ना कोई साइन लैंड सिंपथी साड़े फिर रोके ऑनलाइन जिगरे ना मिलदे बाजारी थकदे नहीं कई इथे बींगा बेचारी काली जी गोली मैं तड़के ही खाली ब्रो मैंने कभी भी नहीं सोचा था डीप कट सी ऐसी बीट पे इतना सेक्स मारेगा लाइक याद है मैंने पंजाबी आंदी है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पंजाबी यार बड़े मददगार कसम से और इसमें सिद्धू मूसेवाला की बहुत बड़ी ना एक एक रहम है पंजाबी को उन्होंने बच्चों को ना ये रंडी के बच्चे जो है ना ये जो जो मेरे मेरे अपने गली के अंदर बोलते थे कि उर्दू बोलो कल्चर में वैंचन हवा बदल जाती है उर्दू बोलो इंग्लिश बोलो तो मैं तो पंजाबी बगैर तो वो ना ये इन्होंने टेस्ट पंजाबी का जो मजा है ना बीट पे भाई और ऐसी स्पेशली हो जिसमें जो पंप करे अखा ने टिम तही एनका पाली वैसे मुंडा वादू नहीं बोलता जे होना पे गल्ला फिर वादू क्यों बोलना बाकी ना बाकी ना तोला मेहनत कीती ना ही सौदा कोई सोलदा हां ऐसा लते कई फिर जना तेरी कह के मैं लई हां ऐसा लते एक ओवर सुनया तू सही ये बंदा जो है जो भी बीट पे है आई लव यू थ्री मेरे पास सिस्टर होती मैं तुम्हें दे देता लेकिन मेरे पास गन है तो मैं तुम्हें दूंगा बस बात खत्म रे तू खबरदार रे तू खबरदार 23 chasing dreams सीधा टेक ओवर आके इनकी बंद छोटे रहना तू खबरदार रे तू खबरदार रे तू खबरदार 23 chasing dreams सीधा टेक ओवर आके इनकी बंद छोटे रहना तू खबरदार बहुत अरसे बाद भाई बहुत अरसे बाद तोबा 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 बहुत अरसे बाद असल में ना बैंगर आया असल में ये मैंने अपने थंबनेल वाले को बोलना कि भाई बैंगर लिखी इसमें पता नहीं वो बैंगर लिखता कि नहीं लिखता वो बैंगर ही ना लिखते भाई यकीन करो कभी कभी ना टटे बिला वजह भी उठाने पड़ते हैं क्योंकि रिएक्शन चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ फिर शादी कर लूँ फिर शादी करके बीवी को लेके आऊँ फिर सऊदी अरब चला जाऊँ उधर से व्यूज आ जाएंगे मुझे फिर मैं डेली करके कहानियाँ बताऊँ एस्टिमेट लगाया बड़ा मजा रहेगा लेकिन क्योंकि उठाने पड़ते हैं ठीक है ना तो वो ला साहब करूँगी ये करूँगी आज भी वापस आया हूँ तो इतना तो सेक्सफुल गाना है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं मतलब छोड़ दो वो तुम उमर अंजुम की रैम स्कीम छोड़ दो उसके शॉर्ट आउट छोड़ दो उसकी कला छोड़ दो तुम डीप कल से को भी एल पे चढ़ गई किस्मत बाद ये बीट बीट लेकर आओ बीट लेकर आवे ये मेटिक मुजिक आई लव यू थ्री यार इसका बीट बहुत सेक्सी है वो मैं ओल्ड स्कूल बीट ना ये मुझे एक दो साल हुए हैं मैं इसमें इतना घुस गया हूँ ना इतना घुस गया हूँ ना इवन आजकल AI पे लगा के लोग ओल्ड स्कूल बीट पे ना बढ़ते हैं यार मैं उनको सुनता रहता हूँ सीरियसली हुफ आई थिंक
इस बात से कोई भी नाराज नहीं होगा कि बीट बहुत ही कमाल किस्म का, दोनों को जो इनके एक्सप्रेस करने का तरीका है उसको उसमें इजाफा कर रही है, उसमें और एग्रेशन लेकर आ रही है। और अब इस तरह की बीट होती है ना, वो बीट ही ऐसी बनाई जाती है भाई, ड्रम जो बजता है ना उसमें आपका दिमाग ना ऐसा, मतलब वो ट्राई नॉट टू डीप थ्रोट वाला सीन ना, वो ज्यादा जो ना तो नहीं होगा। खैर मैं अपने जज्बातों को शायद समाज बहुत ही बढ़िया, खुशी पुत्र समाज मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ ये इस तरह का गाना, ये मैं लाइक करके रखता हूँ भाई अपने पास। एनीवेज मिलता हूँ हम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, खूबसूरत बहुत ही हैरान कुन है कि डीप कल सी हुक पे नहीं है और उसने गाना पूरा गाया। मैं ये नहीं कहता कि वो गाने गाता नहीं है, बट बड़ा सजर है, बहुत सजर है। और उमर अंजुम पापा को बोलना सन इज मिसिंग यू, हु इज योर डैडी उमर अंजुम, तला अंजुम, या थैंक यू बाबा जी, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुरा रहे, यस कमांड।